हेलो गाइज, आज 7 मई 2020 को एक बहुत ही दुखद न्यूज आई कि अपना जो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम में एक प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर से एक गैस की विसाव हुआ लीकेज हुई, जिसका नाम है स्टाइलिन। और उस गैस के विसाव के कारण लगभग 10-11 लोगों की डेथ हुई और लगभग 1000 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। अब ये जो एक तो कोरोना की असर थी पूरे देश में, और उसके बाद इस तरीके की जो इंसिडेंट्स है उससे लोग और भी परेशान हुए। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये गैस का क्या इफेक्ट हुआ लोगों पे, ये गैस का क्या यूज है, ये चीजें देखते हैं। तो विशाखापट्टनम में एक गांव है वेंकटपुरा, जहां पर ये एलजी केमिकल इंडिया लिमिटेड प्लांट है। ये कोरिया बेस्ड कंपनी है जो इंडिया में है। इंडिया में प्लास्टिक के यूज देखते हुए इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और ये लगभग आज सुबह 2:30 पे ये इंसिडेंट हुआ। ये जो फैक्ट्री है ये पिछले 40 दिनों से बंद थी, कोरोना के जो लॉकडाउन थे, लॉकडाउन के कारण ये पिछले 40 दिन से बंद थी, और आज इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए परमिशन मिला। किंतु सुबह के 2:30 बजे जो कुछ अनस्किल्ड लेबर जो उस फैक्ट्री में मौजूद थे, उनके द्वारा फैक्ट्री को री ओपन करने की कोशिश किया गया, और उसी में कुछ डिस्टरबेंस होने के कारण ये हादसा हुई। और पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है कि इसका एक्चुअल रीजन है क्या। ये जो गैस है, गैस के कारण लगभग 10 लोगों की डेथ हुई, 1000 लोग हॉस्पिटल हुए, बहुत सारे लोग और भी हॉस्पिटल आए हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, स्किन में इरिटेशन हो रहा है, तो वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। अब चूंकि इस जो गैस से जो परेशानियां हो रहा है, इस तरीके की परेशानी तो कोई कॉमन थी नहीं, इससे पहले तो ऐसा कोई परेशानी आया नहीं था, इसलिए इसकी प्रॉपर तो कोई ट्रीटमेंट प्रेजेंट में है नहीं। बट इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये जो गैस है, गैस से नॉर्मली क्या होता है कि जब इसे हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने से अपनी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाली सिस्टम है, उसमें इरिटेशन होता है, साथ ही साथ स्किन में इरिटेशन होता है, आंख में इरिटेशन होता है। तो इसका ट्रीटमेंट बस यही है कि जल्दी से जल्दी उस जगह को इवैक्यूएट किया जाए, खाली किया जाए, प्लस वो जो कपड़े पहने हुए हैं उसको कपड़े को चेंज किया जाए, उसको आंख को पानी से धोया जाए, शरीर को धोया जाए, और उसके बाद जो उनकी रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम है, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा रहा है, ताकि उनके शरीर से वो गैस का जो है, वो गैस जो है बाहर निकले और उनको आराम मिले और वो ठीक होकर बाहर आ जाए। इससे जो गैस से जो बिल्कुल क्लोज में थे, जो फैक्ट्री के अंदर थे, बस उन्हीं लोगों का डेथ हुआ है, और जो लोग बाहर में थे उनमें इसका बस असर हुआ है, उनको इरिटेशन हुई, उनको उल्टी हुई, उसके आसपास में जो जानवर थे उनको उल्टी हुई और उनकी डेथ हो गई। तो ये गैस से जो है ज्यादा डेथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो बिल्कुल जो पास में थे उन्हीं पे इनका असर हुआ, उसके बाद जो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ी उनके अंदर बस इसकी जो इरिटेशन वाली समस्या है वो हुई, जिसे हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया और वो ठीक होकर बाहर भी आ गए हैं। उसके बाद जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं वो कंटिन्यूअस इस इंसिडेंट पे नजर रख रहे हैं। वो NDMA जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, होम मिनिस्ट्री है, सबके साथ रेगुलर कांटेक्ट में है, और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम और भी जो टीम्स है वहाँ पर पहुंची हुई है और लोगों की हेल्प कर रही है। ये है विशाखापट्टनम में किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, जहाँ पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और लोगों के ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में चल रहा है। अब हम देखते हैं कि यह स्टाइविन गैस है क्या और इसका क्या यूज है। तो स्टाइविन जो गैस है, ये एक बेंजीन से इथिन ग्रुप एक अटैच है, जिसको फिनाइल इथिन बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला ये है और उसकी केमिकल की स्ट्रक्चर ये है। अब ये जो इसमें इथिन ग्रुप है, ये इथिन ग्रुप ही चैन बनाती है, चैन रिएक्शन करती है, और चैन रिएक्शन करके और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है, और मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स इस स्टाइविन गैस के यूज करके बनाए जाते हैं। अभी जो फिलहाल में प्लास्टिक के यूज है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए हैं, और 2018 के डाटा है जिसमें ये 35 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया गया और इससे डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाए गए।
अब ये गैस का हेल्थ पे इफेक्ट देखते हैं कि इस गैस का हेल्थ पे क्या इफेक्ट है। तो अस्टाविन इज रिगार्डेड एज अ नॉन कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब होता है कि कैंसर, मतलब इस गैस का कैंसर के रूप में भी अगर लॉन्ग टर्म इसके कॉन्टैक्ट में रहे तो कैंसर जैसे भी लक्षण इससे दिखती है, कैंसर जैसे भी बीमारी इस गैस के कारण होता है। और ये जो गैस है, जैसे जो ह्यूमन इसे इनहेल करता है, जो सांस के थ्रू उनके बॉडी में जाता है, तो बॉडी में एक एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम, उससे वो रिएक्शन करके एस्टाविन ऑक्साइड बनाती है। और ये जो एस्टाविन ऑक्साइड है ये पॉइजनस भी होता है, म्यूटाजेनिक, यानी कि इससे जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी आती है, और इससे जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक भी होती है, मतलब इससे कैंसर जैसी भी बीमारी हो सकती है रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहने से। उसके बाद और भी यूएस में जो जो मेडिकल टीम्स हैं उनके द्वारा इससे स्टडी किया गया, तो ये जो एस्टाविन ऑक्साइड है, जो टॉक्सिन इससे बनी, वो जो टॉक्सिन है उससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होता है हिंदी में जिसे आंत बोलता है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, किडनी में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने में दिक्कत आती है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स इस गैस को इनहेल करने से होता है। इसके बाद न्यूरोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज भी होती है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब ये होता है कि शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं जिसके थ्रू जो शरीर के बाकी के हिस्सों से मैसेज दिमाग तक जाता है, और फिर दिमाग से उसी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज पूरे बॉडी को सप्लाई होता है, जिसके बाद हमारा बॉडी उसके रिस्पॉन्स करता है। ये जस्ट लाइक टेलीफोन की तार के जैसा होता है, जिसमें फोन्स आती है और फोन्स रिसीव करते हैं और किसी को कॉल्स करते हैं, जस्ट लाइक न्यूरॉन्स होते हैं। तो इनकी न्यूरॉन्स पे भी असर होती है, और असर होने के कारण इससे विजन यानी कि देखने में परेशानी और सुनने में भी परेशानी जैसी दिखते आता है। इसके बाद जो एस्टाविन गैस है, एस्टाविन जो केमिकल है, ये एस्टाविन है, और ये एस्टाविन अलग अलग केमिकल्स के साथ, जैसे ब्यूटाडाइन है, एक्विलोनाइट्राइल है, इससे अलग अलग रिएक्शन करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चैन बनाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के केमिकल बनाती है, और उस केमिकल से डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स बनाया जाता है। तो ये जो है एक्विलोनाइट्राइट, ब्यूटाडाइन, एस्टाविन, ये भी एक एस्टाविन से बन मिलने के बाद ये एक प्लास्टिक बनी जिससे हेलमेट वगैरह बनाए जाते हैं। उसके बाद जो हम लोग थर्मोकोल बोलते हैं, ये थर्मोकोल की कप्स भी आती है या थर्मोकोल पैकिंग के काम आते हैं, वो भी क्या है, पोलीएस्टाइविन, जो एस्टाविन है वही आपस में चैन बनाकर बहुत सारे एस्टाविन जब मिलके और पोलीएस्टाविन बनाते हैं, और पोलीएस्टाविन से इस तरीके की प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। उसके बाद एस्टाविन से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे रबर बनते हैं, लेटेक्स बनते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये जो लेटेक्स है, हम लोग जो मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, जो चिकनी वाली पेज आती है, वो इस लेटेक्स को लगाकर ही उस पेज को चिकना किया जाता है, जो बहुत सारे मैगजीन्स मार्केट में आते हैं। तो ये था एस्टाविन के बारे में, और ये जो गैस लीकेज हुई, तो एक एक करके हमने देखे कि ये एस्टाविन के कारण लोगों में क्या इफेक्ट आया, और ये कौन से जगह पर हुई, उसके क्या इफेक्ट हुए, लोग कहाँ पर भर्ती किए गए, और ये एस्टाविन गैस है क्या, इनसे कौन से प्रोडक्ट्स बनाई जाती है, उनसे हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, उनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखा। और ये है एस्टाविन के बारे में, हमने कोशिश किया कि आपको बता सके, और ठीक है, थैंक यू।